अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नीलोफर सरवर अंसारी और आज हम बना रहे हैं चिकन लजीज़ा कांडी कबाब जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इससे पहले भी हमने चिकन कांडी कबाब की रेसिपीज़ शेयर की हैं आपके साथ, वो भी बहुत मज़ेदार बनते हैं और सारी पार्टी रेसिपीज़ हैं, तो ये भी पार्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी ट्राई करिएगा हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखिए किस तरह से बनाए जाते हैं ये चिकन कांडी कबाब। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम। इसे बनाने के लिए हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होगी, तो हमने ब्रेड को पीस लिया था बारीक और इसे हमने साइड में रख देना है। इसके साथ ही हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, तो ड्राई मसालों में आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 वेजिटेरियन मैगी क्यूब, या अगर आपको अजीनोमोटो से प्रॉब्लम नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं क्योंकि बावर्ची इसे ऐड करते हैं। आधा टेबलस्पून प्लस 1 टीस्पून आप नमक ऐड करें। इसी के साथ हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधा टीस्पून क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लेंगे। इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाना है, तो आपको आधा कप हरा धनिया लेना है, 15 से 20 आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं या 10 से 15 भी, तो हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से भी लें, थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। अब हम कुछ सॉस निकाल लेंगे, तो आधा टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करें, डार्क सोया सॉस है ये, और 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड कर दें और 1 टेबलस्पून सराचा सॉस ऐड करना है, सराचा चिली सॉस। तो जो है सारे मसाले हमने निकाल दिए हैं, अब हम चिकन में इसे ऐड करेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने 1 किलो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। जो बोनलेस चिकन का हम इस्तेमाल करेंगे वो थाई पीस से बनवाएं और 2-2 इंच के टुकड़ों में इसे कट कर लें। इसके बाद इसे अच्छी तरह से धोकर छन्नी में रख दें। इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और हरी धनिया का पेस्ट ऐड कर दें, नींबू का रस ऐड कर दें 3 टेबलस्पून के इतना, इसमें सॉस भी ऐड कर दें जो हमने निकाल कर रखे थे। अब हम इसमें ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे जो हमने आपको बताए थे। इस वक्त इसमें अजीनोमोटो ऐड किया जाता है, अगर आपको अजीनोमोटो से प्रॉब्लम नहीं है तो 1 टेबलस्पून के इतना ऐड कर सकते हैं, या चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं, या वेजिटेरियन मैगी क्यूब भी ऐड कर सकते हैं 1। तो इसके बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करके इसे हम रात भर के लिए रख देंगे इसी तरह से, या अगर आपको जल्दी बनाना है तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तक इसे मसाला लगाकर इसी तरह से रहने देंगे। इसमें मसाला लगा कर रखना ज़रूरी है, फ़ौरन ही इसे नहीं पकाएं, या आप कम से कम 2 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रख दें और इसके बाद ही इसे जो है स्टिक में पिरो के हम फ्राई करेंगे। कोशिश करें कि रात भर के लिए मसाला लगा कर रख दें। अच्छा, इसके बाद हम इसे जब फ्राई करेंगे तो स्टिक में पिरो देंगे। स्टिक को पानी में भिगो दें ताकि फ्राई करते वक्त ये जले ना। 1 स्टिक में आप 4 से 5 बोटी को पिरो सकते हैं। इसी तरह से आप सारे स्टिक को तैयार कर लेंगे। हमने सारे स्टिक तैयार कर ली है, कुछ 19 स्टिक बनकर तैयार हुई है ये। अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में लपेट देंगे इस तरह से। जब आप चिकन स्टिक पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ना, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो मसाला बच जाता है उसमें भी इसे अच्छे से लपेट दें और इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाते जाएं। इसी तरह से हम सारे चिकन स्टिक पर ब्रेड क्रम्स लगाते जाएंगे। इसी तरह से हमने सारे स्टिक को तैयार कर लेना है। तो अब जो है सारे स्टिक तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे। अगर आप एक साथ 1 किलो चिकन स्टिक फ्राई करने वाले हैं तो 8 अंडों की ज़रूरत होगी। अगर आप आधा किलो चिकन स्टिक फ्राई करेंगे तो 4 अंडे ले लें और इसमें 1 चुटकी नमक ऐड कर दें और 2 चुटकी इसमें क्रश ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हमने जो है तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है और अंडों को एक खोल प्लेट में निकाल दिया है इस तरह से, इससे आसानी हो जाएगी फ्राई करने में। तो जब ऑयल गर्म हो जाए, ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो फ़ौरन ही फ्राई हो जाएगा। आँच को मीडियम से थोड़ा सा कम रखना है और एग में इस तरह से लपेट कर इसे ऐड कर दें ऑयल में। इसी तरह से हम सारे स्टिक को एग में लपेट कर ऐड करते जाएंगे ऑयल में। जब हम इसे ऑयल में ऐड करेंगे ना तो थोड़ी देर इसी तरह से फ्राई होने देंगे। जब एक तरफ से हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा उसके बाद ही हम चम्मच चलाएंगे। तो इस तरह से जब नज़र आने लगे तो इस वक्त आप इसे पलट दें। तो बस ये देखें, इस तरह से जब नज़र आने लगे ना गोल्डन ब्राउन, तब हम इसे निकाल देंगे। तो ये चिकन स्टिक अब तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे मायो चटनी के साथ। तो मायो ग्रीन चटनी की रेसिपी हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप उस चटनी को इस स्टिक के साथ ज़रूर सर्व करिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो यकीनन आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी बेहतरीन रेसिपीज़ हम आपके साथ आगे भी शेयर करते जाएंगे। तो जो नए देख रहे हैं ना वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये फ्री है। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।